देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सावरकर की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें याद किया। 1857 में यह मई का ही महीना था जब भारतवासियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे। दुख की बात है कि हम बहुत लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे। वास्तव में उस घटना को न केवल कम करके आंका गया बल्कि यह हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने का भी एक प्रयास था। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। पीएम मोदी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि उनकी जयंती पर मैं साहसी वीर सावरकर को नमन करता हूं। हम उन्हें उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं जो कई अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। वीर सावरकर को क्रांतिकारी, वकील, कवि, नाटककार, लेखक और देश में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने वाले नेता के तौर पर पहचाना जाता है। आजादी के आंदोलन से जुड़ने के बाद अपने उग्र राजनीतिक विचारों और बंग भंग आंदोलन में सक्रिय भूमिका के साथ ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिश हुकूमत को अखरने लगे थे। सावरकर को साल 1901 में नासिक के एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन विक्टोरिया स्टेशन से गिरफ्तार कर समुद्री मार्ग से भारत लाया जा रहा था। जब जहाज फ्रांस की समुद्री सीमा में पहुंचा तो वह अंग्रेज अधिकारियों को चकमा देकर समुन्दर में कूद गए। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उनकी गिरफ्तारी फ्रांस की सीमा में हुई थी, इसलिए उन पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत हेग में मुकदमा चलाया गया। इस तरह का ये पहला मामला माना जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूरोपीय समुदाय का ध्यान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ा था। सावरकर का पालन पोषण उनके बड़े भाई गणेश ने किया। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने इसे वापस ले लिया था। यही नहीं, लंदन के ग्रेन कॉलेज से वकालत की डिग्री भी हासिल की थी, लेकिन इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर देने पर उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया था। कांग्रेस के साथ मतभेद की वजह से साल 1936 में सावरकर के साथी ही उनका विरोध करने लगे थे, लेकिन एक कांग्रेसी नेता, पत्रकार, शिक्षाविद, कवि और नाटककार पीके अत्रे सावरकर के साथ खड़े हुए थे। अत्रे ने पुणे में बालमोहन थिएटर के कार्यक्रम में सावरकर स्वागत कार्यक्रम किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सावरकर को कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाने की धमकी दी थी। इस विरोध के बावजूद हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में आए और सावरकर का स्वागत कार्यक्रम हुआ। इसी दौरान अत्रे ने सावरकर को वीर की उपाधि देते हुए कहा था कि जो काला पानी से नहीं डरा, काले झंडों से क्या डरेगा। वहीं जब सावरकर जेल में बंद थे तब उन्होंने 1857 की क्रांति पर आधारित विस्तृत मराठी ग्रंथ 1857 चे स्वतंत्रते समर लिखा था। ये ग्रंथ बेहद चर्चित हुआ था और इसी के नाम पर अत्रे ने सावरकर को स्वतंत्र वीर नाम दिया था। भारत के राष्ट्र ध्वज में सफेद पट्टी के बीच मौजूद चक्र का सुझाव सबसे पहले वीर सावरकर ने ही दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत मान भी लिया था। उन्होंने ही सबसे पहले भारत की पूर्ण आजादी को स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य बनाया और घोषित किया। उन्होंने देश में धर्म की आड़ में फैली कई तरह की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन भी चलाया। 28 मई साल 1883 को नासिक के भांगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय इतिहास में न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम का तेजस्वी सेनानी माना जाता है बल्कि उन्हें महान क्रांतिकारी, चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय भी सावरकर को ही जाता है।
साल 1909 में सावरकर के सहयोगी मदनलाल धिंगरा ने सर वीएली को गोली मार दी। उसी दौरान नासिक के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर एएमटी जैक्सन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद सावरकर पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के चंगुल में फंस चुके थे। 13 मार्च 1910 को लंदन में उन्हें कैद कर लिया गया। उन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए और 50 साल की सजा सुनाकर अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया गया। यहां उन्हें अमानवीय यातनाएं भी दी गईं। सावरकर को 2 मई 1921 को पहले रत्नागिरी जेल, फिर यरोदा जेल भेज दिया गया। साल 1924 में उन्हें सशर्त रिहाई मिली। इसके बाद सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में हिंदू महासभा नाम की एक अलग पार्टी बना ली। साल 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने। वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और गांधी जी को ऐसा नहीं होने देने के लिए निवेदन भी किया। उसी दौरान नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, जिसमें सावरकर का भी नाम आया। सावरकर को एक बार फिर जेल जाना पड़ा, लेकिन साक्षियों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। सावरकर ने 1 फरवरी 1966 को मृत्यु पर्यंत उपवास का निर्णय लिया और 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर मुंबई में चिरनिद्रा में लीन हो गए। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे, मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।